हेलो पेरेंट्स, पिछली बार हमने देखा था कि आप फ्लिंट ऐप को किस तरह इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे आज ही जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए डिवाइन बर्ड्स। वहाँ पे आपको हाउ टू यूज़ फ्लिंट ऐप का वीडियो जो होगा उसके अंदर इस ऐप के बारे में, उसका किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है मोबाइल में, अगर ट्रबल शूटिंग मतलब कि हो नहीं रही है इंस्टॉल तो क्या करना है आपको, पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो किस तरह करना है उसको रिसेट, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियोस में है। तो आज ही यूट्यूब पे जाइए और सबसे पहले वहाँ पे सर्च कीजिए डिवाइन बर्ड्स और वो वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फ्लिंट ऐप के अंदर क्या क्या यूसेस है, मतलब कि क्या क्या डिवाइन बर्ड्स कुल रखती है, क्या क्या पोस्ट होते हैं और किस तरह किस में पोस्ट होती है, वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो देखिए, आपका जैसे कि चिल्ड्रन फिफ्थ स्टैंडर्ड में है तो आपके अंदर क्या क्या शो होगा। एक ये DBS 5, ओके, दूसरा है फिफ्थ सी जो उसका डिवीज़न होगा, फिफ्थ इंग्लिश, फिफ्थ मैथ्स, फिफ्थ साइंस एंड फिफ्थ सोशल साइंस। ओके, तो इतने ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं DBS 5 की। तो DBS 5 के अंदर ये देखिए, ग्रीन जो सिंबल है वो वीडियोस होते हैं। जैसे कि अपनी स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी एक्टिविटीज होती है तो उसके वीडियोस हम यूट्यूब पे रखते हैं। तो आप देखिए कि इसके अंदर ये जो ग्रीन सिंबल होगा उसके अंदर ये वीडियोस होंगे। इस वीडियोस को आप प्ले करोगे तो वो यूट्यूब में प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिंक दे रखी है इसकी। इसके बाद कोई भी नोटिस वगैरह होगी, यहाँ रीड मोर पे क्लिक कीजिए तो ये जो पूरी की पूरी रीड लेस करेंगे तो शुरुआत में जैसी दिखती है वैसे दिखेगी। देखिए एक बार फिर दिखाता हूँ, ये देखिए रीड मोर पे आपको क्लिक करना है ताकि पूरी नोटिस आप देख पाएँ। उसके बाद ये एल्बम्स है, जो भी हम स्कूल में एक्टिविटीज़ करते हैं उसके सारे फ़ोटोज़ हम इसमें रखते हैं। तो इस तरह ये बाहर इशू हो जाएगा कि एल्बम है, ओके। फिर ये जो है ये वाला, ये फोटोज़ होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही फ़ोटोज़ होता है और बाकी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि किस तरह इसको यूज़ करना है, ओपन करना है, ओके। फिर आ गया MCO की आंसर की। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम 2 से 3 घंटे में, जब तक आपका चाइल्ड घर तक पहुंच जाए उसके दौरान हम यहाँ पे इसमें भी रीड मोर कीजिए MCO की आंसर की रखते हैं। तो ये भी आप शो कर सकते हैं कि आपका जो चिल्ड्रन है वो कितने MCQ राइट करके आया है, कितने रॉन्ग करके आया है। और दूसरा ये रहा क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर सारी डिटेल होती है। देखिए इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद एक बार फिर क्लिक करोगे, ये देखिए ये WPS ऑफिस है, ये WPS ऑफिस है जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ। आपकी जो भी वर्कशीट्स है जो हम यहाँ से स्कूल से भेजते हैं, क्वेश्चन पेपर्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में बिना प्रॉब्लम के ओपन हो जाए, इसके लिए मैं WPS ऑफिस आपको रिकमेंडेड करता हूँ। वो भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आप WPS ऑफिस डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया। ये सिर्फ एक ही बार ये स्टार्ट मांगेगा, उसके बाद आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे क्वेश्चन पेपर पे वो तुरंत ही ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैं अब सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर पे तो वो सीधा आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। इसके तो इस तरीके से वर्कशीट वगैरह हम सब कुछ इसके ऊपर रखते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा कि YouTube पे आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है जो मतलब कि आपके बुक के अंदर, जैसे कोई भी साइंस का चैप्टर है, मैथ्स का चैप्टर के उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए स्टोरी ऑफ आवर लार्ज एस्टेरॉयड इंपैक्ट सिमुलेशंस, वैसे सारे सारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है जो हम यहाँ से चेक करके रखते हैं। और दूसरा कंटेंट के अंदर, ये कम्युनिकेशन में तो सिर्फ आपको मैसेजेस आएंगे, बाकी जो मेन होगा वो यहाँ कंटेंट में होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फिफ्थ इंग्लिश है, फिफ्थ मैथ्स है, फिफ्थ साइंस है और फिफ्थ सोशल साइंस है।
ये देखिए मैं आपको फिफ्थ साइंस का बताता हूँ। फिफ्थ साइंस में जाइए, कम्युनिकेशन में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैसेज नहीं आता, इसमें सब कुछ जो भी होगा देखिए कंटिन्यू यहाँ पे शो हो रहा है, क्लिक कीजिए। अब देखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके, ये यूनिट वाइज है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बॉडी, ओके, तो इसके अंदर क्या है, क्वीज हाउ टू डज रिप्रोडक्शन, आपको ये अदर के ग्रीन सिंबल जो है वो वीडियोज़ है, ये वाले जो है वो फोटोज़ है, ओके, तो इसके अंदर बुक में जिस तरह से आपको लिखा गया वो सारी इन्फॉर्मेशन है ताकि आपका जो चिल्ड्रन है वो घर पे बैठ के लर्न कर सकता है। अपनी फ्लिंट ऐप जो है वो मोबाइल कंप्यूटर सब में चलती है, तो आपका जो बेटा है इस डिजिटाइजेशन के ज़माने में, आपका बेटा बुक से, मैं बना नहीं कर रहा हूँ कि बुक से आप मत पढ़ो, लेकिन जितना विजुलाइज होगा चिल्ड्रन को उतना बहुत ही अच्छा रहेगा आपको। उसके बाद फिफ्थ सी की बात करें, फिफ्थ सी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि डीबीएस इतने नोटिस वीडियोस वो सब आएगा, तो फिफ्थ सी में होमवर्क और उसके क्लास सिर्फ डिवीजन के रिगार्डिंग जो भी नोटिस होगी वो फिफ्थ सी में आएगी। जैसे होमवर्क है ये देखिए, ओके, ये फिफ्थ सी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आएगी आपको। और देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप पासवर्ड कभी भी फ्लिंट ऐप के एप्लीकेशन में चेंज मत करना, क्योंकि अगर आप पासवर्ड तो भूल गए, फॉरगेट हो गए, तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए ज़्यादा तक जहाँ तक हो सके आप अपने पासवर्ड मत चेंज कीजिए। और दूसरी चीज़ में आपको WPS ऑफिस के बारे में और फ्लिंट एप्लीकेशन को अपडेट करने के बारे में, यहाँ पे कभी भी अगर आपको ऑप्शन आए अपडेट, तो जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे वो प्ले स्टोर में ओपन हो जाएगा। ओके, और वहाँ पे अभी यहाँ पे जो ओपन लिखा हुआ है उसकी जगह अपडेट लिखा हुआ आएगा, तो आपको सिर्फ अपडेट पे क्लिक करनी है। अगर वो अपडेट नहीं होता है, मतलब कि इंस्टॉल नहीं होता है, तो उसका मतलब कि आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है, तो थोड़ी बहुत एप्लीकेशन गेम्स वगैरह फ़ोटोज़ वीडियोज़ थोड़े निकालने के बाद आप फिर से ट्राई कीजिए, अपडेट हो जाएगा। अपडेट का मतलब ये है कि फ्लिंट ऐप अपग्रेड होती है तो कुछ ना कुछ नए मॉड्यूल्स उसके अंदर ऐड होते हैं, ओके, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो वो मॉड्यूल आपके पास पहुँच नहीं पाएंगे। तो इस तरह फ्लिंट ऐप को आपको अपडेट करना है, ओके। और दूसरा है ये WPS ऑफिस, यहाँ पे सर्च कीजिए प्ले स्टोर में WPS, और ये जो पहला वाला है उसको आपको इंस्टॉल कर देना है। ये इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि गुजराती हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो काफ़ी सारे वर्ड के अंदर, दूसरी भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन उसके अंदर फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते, जबकि WPS ऑफिस के अंदर फॉन्ट सपोर्ट करते हैं। अगर वो पूछता है आपको कि डाउनलोड दिस फॉन्ट, तो आप क्लिक कर दीजिए और जो भी क्वेश्चन पेपर किसी भी लैंग्वेज में होगा, संस्कृत वगैरह कुछ भी, तो वो ओपन हो जाएगा। इवन वर्कशीट भी जित कोई भी लैंग्वेज में होगी वो ओपन हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात, डिवाइन बर्ड्स की यूट्यूब भी चैनल है, उसके अंदर डिवाइन बर्ड स्कूल में जाके सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्लिक कीजिए सब्सक्राइब पे, ताकि हम कोई भी वीडियो आपको अगर हम अपलोड करेंगे तो वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगा। सो थैंक यू, फ्लिंट यूज़ करते रहिए।